बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों से पहले ही बीसीसीआई ने सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, इसलिए बीसीसीआई को उनकी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। उन्होंने डीडी न्यूज के संवाददाता विक्रम सिंह से विशेष रूप से बात करते हुए ये जानकारी दी। हमारे साथ मौजूद हैं बीसीसीआई के युवा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, आइए उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, आप युवा नेता भी रहे, भारतीय जनता पार्टी को बीसीसीआई के युवा अध्यक्ष भी बने हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है और कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? मैं धन्यवादी हूँ, बीसीसीआई ने सर्वसम्मति के साथ ये जिम्मेदारी दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी खेल प्रेमियों को कि हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे कि इस खेल को और लोकप्रिय बनाया जाए। 10% कम से कम टिकटें टेस्ट मैचेस के दौरान दिव्यांग के लिए, युवतियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए रखी जाएंगी ताकि वो स्टेडियम में आकर मैच को देख पाएं। ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं उनमें सोलर पैनल्स लगाए जाएं, एलईडी का इस्तेमाल किया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को लागू किया जाए और उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स ये सब खड़े किए जाएंगे जिससे पर्यावरण को भी बचाया जा सके। 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे कि हम डेफ एंड डम और ब्लाइंड क्रिकेट को भी बढ़ावा दे सकें और उनकी सहायता कर सकें। इस तरह के कई प्रयास किए जा रहे हैं कि एक कोचिंग ऐप इंट्रोड्यूस की जाएगी जिससे करोड़ों खिलाड़ियों को अपने मोबाइल फ़ोन पर, कंप्यूटर पर सब सीखने का अवसर मिलेगा। सर, लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट का क्या होगा, लागू होगी या नहीं होगी? हमने रिफॉर्म्स लोढ़ा कमेटी को देख कर नहीं किए। लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन आने से पहले जब डालमिया जी अध्यक्ष बने और मैं सचिव बना, हमने तब से रिफॉर्म शुरू कर दी। ओम्बड्समैन को लागू करना, निर्णयों को वेबसाइट पर डालना और सारा एक से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक हमने सबकी नियुक्ति की है। और इसके अलावा अगर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, बहुत सारी रिफॉर्म्स हमने पिछले कुछ दिनों में लेकर आई जिसकी प्रशंसा सभी वर्गों ने की है। हम किसी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, दुनिया भारत की ओर देखती है, भारतीय बोर्ड की ओर देखती है, क्योंकि पूर्व में भी जिस तरह से बीसीसीआई ने काम किया है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं लेकिन हम 895 मैच करवाते हैं, 1900 दिन क्रिकेट खेली जाती है। ये केवल मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, अगर स्टेट एसोसिएशन की बात की जाए तो हज़ारों मैचेस प्रतिवर्ष होते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक उनको किया जाता है। अगर कोर्ट अंतिम समय में निर्णय देता है कि इन 15 मैचेस को शिफ्ट कर दो, दुनिया का कोई और बोर्ड इतने सक्षम नहीं कि इतनी जल्दी कर पाए। बीसीसीआई ने वो अब भी करके दिखाया है और पूर्व में सरकारों ने कहा कि देश में आईपीएल नहीं हो सकती, हमने विदेशों में भी सफल करके दिखाई है, लेकिन हमें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि देश से बाहर जाएं। इस देश को लाभ होना चाहिए, देश के उभरते हुए खिलाड़ियों को भी लाभ मिलना चाहिए। सर, पुरुष क्रिकेट तो बहुत लोकप्रिय है लेकिन चूंकि अब आप बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं तो क्या महिला क्रिकेट भी उतना ही लोकप्रिय बनाने के प्रयास होंगे? मैंने जब मैं सचिव बना तो महिलाओं को भी अनुबंध के अंदर हम लेकर आए, 15 महिलाओं को चुना गया और ए और बी ग्रेड में उनको रखा गया, उनको लाखों रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ज़्यादा मैचेस महिलाओं के हमने कराने शुरू किए और वुमेन टीम हमारी नंबर वन दुनिया में कैसे बने, क्या इसके लिए हमें दुनिया भर में कहाँ कहाँ जाकर खेलना चाहिए और देश में क्या करना चाहिए, उस पर रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी और उसके माध्यम से अगले 4 वर्षों में 2020 तक महिला क्रिकेट टीम को भी हम दुनिया की नंबर वन टीम बनाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, खिलाड़ियों की प्रतिभा का पहचान हो और उनको उनका सही स्थान मिले, इसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ इसलिए चाहता हूँ कि खिलाड़ियों के साथ कोई अन्याय ना हो, हर संभव सुविधाएं उनको दी जाएगी। मेहनत अनुशासन में खिलाड़ी रहे, मेहनत करें, उनको जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए होगा बीसीसीआई उनको देगा और मैं आशा करता हूं आईपीएल जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली लीग है, ये हम नहीं कहते आज दुनिया कहती है, ये बीसीसीआई ने 9 वर्षों में खड़ा करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीसीसीआई के युवा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अपने आने वाले रोड मैप के बारे में दूरदर्शन न्यूज से चर्चा की। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।